दोस्तों, अगर आपने भी एंड्रॉयड से आईफोन पे शिफ्ट किया है, यानी कि अब आप आईओएस यूज कर रहे हैं और आप अपने आईफोन से कंप्यूटर में या फिर कंप्यूटर से आईफोन में डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं, कोई फोटो, वीडियो या फिर कोई फाइल, और इसके लिए आप डेटा केबल का यूज कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको अपने डेटा केबल को खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईफोन का ओरिजिनल डेटा केबल भी 1500 से लेकर 2000 के बीच में आता है। इसीलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं, जिससे आप अपने आईफोन से कंप्यूटर में या फिर कंप्यूटर से आईफोन में वायरलेसली डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, आपको अपने डेटा केबल को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखना, वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करना, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप आगे भी देख पाओ। तो आइए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने आईफोन में ऐप स्टोर को ओपन करना है, नीचे सर्च पे क्लिक करके इस सर्च बॉक्स के अंदर आपको टाइप करना है FEEM, फीम लिख के आप इंटर करेंगे। सबसे ऊपर ही आपको ये एप्लीकेशन मिलेगा, फीम V4 शेयर फाइल ऑफलाइन। इस एप्लीकेशन को आपको अपने आईफोन में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको ओपन करना है, जो भी परमिशन मांगता है वो परमिशन आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है, और इस तरह से आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद अब आपको अपने आईफोन में हॉटस्पॉट को ऑन कर देना है, और उसी हॉटस्पॉट को अपने लैपटॉप या फिर पीसी के अंदर कनेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अपने आईफोन के इस हॉटस्पॉट को अपने लैपटॉप के अंदर कनेक्ट कर लिया है। हॉटस्पॉट को कनेक्ट करने के बाद अब आपको अपने ब्राउजर को ओपन करना है, और ऊपर यहाँ एड्रेस बार में आपको टाइप करना है FEEM.io, FEEM.io लिख के इंटर करना है, और दोस्तों ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट का और इस एप्लीकेशन का दोनों का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उस पे क्लिक करके आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। वेबसाइट ओपन करने के बाद ऊपर आपको यहाँ पे डाउनलोड का बटन दिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड फीम, और आपको यहाँ पे डाउनलोड के बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, मैक के लिए, आईफोन आईपैड के लिए, एंड्रॉयड के लिए, विंडोज के लिए, लिनक्स के लिए। हम यहाँ पे फिलहाल बात कर रहे हैं विंडोज के लिए, तो आपको यहाँ फीम V5 विंडोज 10 प्लस पे क्लिक करना है, और इसके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है, जिसका साइज आई थिंक 58 MB के आसपास है। यहाँ पे दोस्तों आपको फीम V4 भी दिखेगा, इस पे क्लिक करके आपको डाउनलोड नहीं करना है। आपने अपने आईफोन में जो एप्लीकेशन डाउनलोड किया है वो है फीम V4, लेकिन आपको अपने लैपटॉप या फिर पीसी के अंदर फीम V5 को डाउनलोड करना है। अगर आप फीम V4 को डाउनलोड करेंगे फिर आपको डेटा ट्रांसफर करने में दिक्कत होगी, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, फीम V5 पे क्लिक करना है, और इसको डाउनलोड करने के बाद नॉर्मल दूसरा जैसे सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं वैसे ही आपको इसे भी इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसको पहले ही डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है, आप भी इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद से जब आप इसको ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर आपको इसका कोड देखने को मिल जाएगा, थिन रोडेंट, और जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, क्योंकि हॉटस्पॉट ऑलरेडी कनेक्ट है, तो आपके आईफोन में भी वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, नीचे थिन रोडेंट, और ऊपर इस एप्लीकेशन का कोड है जो आपके आईफोन के अंदर है, मेरी स्क्वायर है, ठीक है, आपके केस में ये दूसरा भी हो सकता है। तो अब मान लो दोस्तों आपको अपने आईफोन से अपने लैपटॉप या फिर पीसी के अंदर डेटा ट्रांसफर करना है, कोई फोटो, वीडियो, ऑडियो या फिर कोई फाइल ट्रांसफर करना है, तो आपको यहाँ थिन रोडेंट पे क्लिक करना है, और नीचे यहाँ सेंड फाइल का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे आपके आईफोन का गैलरी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आपको जो भी फोटो सेंड करना है, वीडियो सेंड करना है, उसे सिलेक्ट कर लेना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद ऊपर सेंड का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक कर देना है, और वो फोटो सेंड हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रिसीव हो चुका है। अब आपको इस एप्लीकेशन पे अपने आईफोन वाले कोड पे, जो कि मेरे केस में मेरी स्क्वायरल है, इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये सारा फोटो मैंने ट्रांसफर किया था, इस पे क्लिक किया और ओपन इन फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फोल्डर के अंदर जितने भी फोटो मैंने ट्रांसफर किए, पहले जितने भी ट्रांसफर किए हैं, वो आपको यहाँ पे इस तरह से देखने के लिए मिल जाता है। वैसे ही दोस्तों अगर आपको मान लीजिए कोई वीडियो भेजना है, तो आपको यहाँ से वीडियो को सिलेक्ट करना है और सेंड पे क्लिक कर देना है, वो वीडियो यहाँ से सेंड हो रहा है और वो यहाँ पे रिसीव हो चुका है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ओपन इन फोल्डर, आप यहाँ पे देख सकते हैं MOV फाइल है। ये हुआ दोस्तों कि आप अपने आईफोन से अपने लैपटॉप या फिर पीसी में किसी भी डेटा को कैसे ट्रांसफर करेंगे। अब मान लो दोस्तों आपको अपने लैपटॉप या फिर पीसी से अपने आईफोन में कोई भी डेटा भेजना है, कोई फोटो, वीडियो, म्यूजिक या फिर किसी फाइल को भेजना है,
तो वो आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों सिंपल क्या करना है, जहां भी आपका वो डेटा है, फोटो वीडियो या फिर ऑडियो जो भी आपका डेटा है, जहां कहीं भी आपने रखा है, वहां पे आपको उसको सिलेक्ट करना है। सिंपल इस एप्लीकेशन पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, उसके बाद इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है जो भी कोड है, और नीचे आएंगे आपको सेंड का बटन दिखेगा, इस पे क्लिक कर देना है। वो फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं आईफोन के अंदर रिसीव हो रहा है, और कुछ ही सेकंड के अंदर वो सारा फोटो वीडियो या जो भी आपका फाइल होगा आपके आईफोन के अंदर आ जाएगा। जैसे कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूं। तो इस तरह से दोस्तों बहुत ही आसानी से बिना डेटा केबल यूज किए हुए अपने आईफोन से अपने लैपटॉप या फिर पीसी में, या फिर अपने लैपटॉप या फिर पीसी से अपने आईफोन के अंदर किसी भी डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को अपने आईफोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करिए।